डेंगू जो होता है वो हाई ग्रेड फीवर होता है, और फीवर अमूमन मलेरिया में भी देखा जाता है, डेंगू में भी देखा जाता है, चिकनगुनिया में भी देखा जाता है। इसमें एक्चुअली डेंगू जो होता है वो मॉस्किटो को काटने से होता है, ये एक वायरस इन्फेक्शन है। मलेरिया जो है ये क्रॉस बाई अ पैरासाइट, तो इसमें प्लास्मोडियम के काटने से होता है। इसमें थोड़े से फीवर जो होते हैं, फीवर तो अमूमन सब में ही होता है, डेंगू में भी होता है और मलेरिया में भी होता है। डेंगू में जो डेंगू का जो सिम्टम्स है वो हम लोग देखते हैं कि पहले हाई ग्रेड फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्ड एंड राइगर। उसके बाद इसके जो सेकंड सिम्टम्स है वो आंखों में जलन होना, आंखों में दर्द होना। तीसरा जो कारण है ये ज्वाइंट पेन कराता है, जिसको कि हम लोग ब्रेक बोन डिजीज भी बोलते हैं। उसके बाद बॉडी में बहुत जगह पेन कॉज कराता है, ज्वाइंट पेन कॉज कराता है। फिर उसके बाद बॉडी में रैसेज होते हैं, जो डेंगू होते हैं डेंगू के कारण बॉडी में रैसेज होते हैं। अब रैसेज क्यों होते हैं इसके बारे में हम लोग बताएंगे कि इसमें जो होते हैं छोटे छोटे, जब बहुत सीवियर कंडीशन हो जाता है इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं छोटे छोटे माइक्रो ब्लड वेसल्स, वो रैप्चर करते हैं। जब वो रैप्चर करते हैं तो वो ब्लड वहां से निकलते हैं, उस वजह से छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाना, बॉडी में रैसेज आ जाना, ये एक कॉमन चीज। अब इसमें जो डेंगू को हम लोग डिस्टिंगाइज करते हैं, डेंगू के जो मॉस्किटो बाइट है वो मेनली जो होता है वो नाइट में होता है, बट मलेरिया के जो होता है वो डे टाइम में भी करते हैं, रात में भी करते हैं, लेकिन मोस्टली इन डे टाइम करते हैं। इसमें क्या होता है कि फीवर तो दोनों में होता है, डेंगू में आपको वॉमिटिंग होता है, फीवर होता है, रैंगर होता है, चिल्ड होता है, ज्वाइंट पेन होता है, आंखों में दर्द होता है, हेडेक होता है, बहुत सारे सिम्टम्स है, रैसेस होते हैं। उसके बाद मलेरिया में आप देखेंगे या चिकनगुनिया में देखेंगे कि फीवर हो रहा है बट उसमें वॉमिटिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं, उसमें जीआई में बहुत सारा इश्यूज नहीं आता है। जब डेंगू को हम लोग फेस बाय फेस देखते हैं तो डेंगू के बहुत सारे क्लास है, जैसे कि ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री है। तो उसमें जब देखेंगे कि पेशेंट जब सीवियर कंडीशन में जा रहे हैं तो उसमें हैमरेज होने का डर, वो ब्लीड आपके स्किन से हो सकता है, नोज से हो सकता है, माउथ से हो सकता है, या जीआई से भी हो सकता है। एक व्यक्ति के अंदर जो प्लेटलेट काउंट होता है वहां तीन प्रकार के होते हैं, एक डब्ल्यूबीसी होते हैं, एक आरबीसी होते हैं, एक प्लाज्मा होता है। उसी के अंदर आपको प्लेटलेट प्लेटलेट काउंट जो होता है वो नॉर्मल जो बेसिकली होता है वो 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होता है, लेकिन जब डेंगू का प्रभाव ज्यादा होने लगता है, डेंगू जब सीवियर कंडीशन में होने लगता है तो प्लेटलेट काउंट डिक्रीज करता है। फर्स्ट 3 डेज में बहुत ज्यादा डिक्रीज करता है, 1 लाख से जब डिक्रीज करता है प्लेटलेट काउंट तो ज्यादा सीवियर कंडीशन, बहुत सारे पेशेंट में हमने देखा है कि 40,000, 50,000 या 30,000 आ जाते हैं प्लेटलेट काउंट। डेंगू वायरस क्या करता है कि आपके रक्त को पतला करता है, तो जब पतला कर देता है, हम लोग किसी पेशेंट में देखते हैं कि आईवी कैनुला वगैरह लगा रहे हैं, जब उसको हम लोग निकालते हैं तो एक ब्लड फ्लो आता है, तो वो खून को पतला कर देता है। तो जब वो पतला कर देता है खून को, क्लॉटिंग फैक्टर को डिक्रीज कर जाता है, इस कारण प्लेटलेट का काम है खून को कोगुलेट करने में मदद करता है, या कोगुलेटिंग फैक्टर ही डिक्रीज कर जाता है या उसको इफेक्ट करने लगता है डेंगू वायरस। इसलिए प्लेटलेट काउंट एक मनुष्य में, एक पेशेंट में बहुत आवश्यक चीज है कि प्लेटलेट काउंट को मेंटेन करना। 20 इंसान में एक इंसान या दो इंसान जो होते हैं, जो मनुष्य होते हैं या जो पेशेंट होते हैं, वो सीवियर कंडीशन में जा सकते हैं। सीवियर कंडीशन का मतलब ये है कि जब पेशेंट का प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है, अवस्था में क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज करने से पेशेंट्स के ब्लीड बढ़ जाता है, ब्लीडिंग बढ़ जाता है, वो सीवियर कंडीशन। अब जीआई में ब्लीडिंग हो गया, उसको हम लोग नहीं रोक सकते। उस कंडीशन में जब प्लेटलेट अमूमन ये देखेंगे कि हम लोग को घर में ये देखना है कि जो भी डेंगू पेशेंट पॉजिटिव होते हैं उनको टाइम टू टाइम हम लोग सीबीसी करा के देखते हैं कि इनका प्लेटलेट काउंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्या इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जब हम लोग देखेंगे कि प्लेटलेट काउंट 1 लाख से नीचे आ रहा है, लेस देन 80,000 या 50,000, इस कंडीशन में हम लोग नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे, नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेंगे। पेशेंट्स को घर में रहना ठीक नहीं है, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाए, अपने आसपास के डॉक्टर से संपर्क करें और उनके निगरानी में वो अपना इलाज करें।
रिटेलेट हॉट अगर ठीक है, सारे सिम्टम्स ठीक है, हमको बुखार बहुत तेज नहीं आ रहा, हाई ग्रेड फीवर नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में लोग अपने घर में भी इलाज कर सकते हैं। लेकिन हाई ग्रेड फीवर विद चिल्ड विद राइगर, मतलब राइगर और चिल्ड का मतलब ये है कि आप जब तो देखेंगे इस तरह के जो पेशेंट होता है उसमें बहुत ज्यादा थरथराहट होता है, बहुत ज्यादा कांपते हैं वो लोग, उस कंडीशन में देखना है जब फीवर 102 से अब जाता है, इस कंडीशन में हम लोग हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, नजदीकी डॉक्टर से बात करना चाहिए। उसमें हम लोग मॉडल ट्रीटमेंट जो रखते हैं पेशेंट्स को, बहुत ज्यादा शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इसमें हम लोग इंटेक करते हैं, फ्रूट को इंटेक करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं हम लोग। तो अगर बॉडी के अंदर प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम है तो हम लोग बाहर से प्लेटलेट को हम लोग डालते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं। और इसमें प्रॉपर रेस्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, पेशेंट कंप्लीट बेड रेस्ट में रहे, प्रॉपर फ्रूट लेते रहे, ओरली ले तो ज्यादा बेहतर है, इसमें खाने पीने का खास ध्यान रखें। 10-14 डेज का जो गैप्स होता है इसमें पेशेंट को बहुत वीकनेस फील होता है, इस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को मल्टीविटामिन्स वगैरह देते हैं, उनको खाने पीने के अच्छे से न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं कि ये न्यूट्रिशन चीज खाएं आप। उसके बाद हमारे जो न्यूट्रिशन से डॉक्टर है उनसे हम लोग संपर्क करते हैं, उनको खान पान का ध्यान देते हैं। वो घर पे जब यहाँ से डिस्चार्ज होकर जाए तो प्रिकॉशंस लें अपने घर पे कि 10-15 दिन कैसे रहना है, तो 10-15 दिन को कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, मल्टीविटामिन का सेवन करना है, फ्रूट्स खाना है और पानी फ्रूट बहुत ज्यादा इंटेक करना है। तो रोकथाम का सबसे अच्छा उपाय ये है कि जब हम लोग सोते हैं तो मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें। हमारे आसपास जो गंदे पानी है, नाले हैं, उसमें हम लोग डीडीटी या एंटीनो स्प्रे जो आते हैं उसको करें, या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करें। आप अपने घर में साफ सफाई रखें, तो जब साफ सफाई रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे मच्छर नहीं आएंगे। मच्छर वहां पे आते हैं जहाँ गंदगी होती है, तो या आपके घर में जो कूलर होते हैं, कूलर में पुराने पानी होते हैं, इसका समय समय पर पानी को चेंज करें, हर आवश्यकता पानी को ना रखें बकेट्स में, या कहीं भी पानी का जमा हो उसको हम ड्रेन आउट करते रहें। और उसमें सिर्फ मेनली साफ सफाई का ध्यान रखें, मॉस्किटो नेट लगाकर हम लोग सोएं, ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग छिड़काव कर सकते हैं।